नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे इंडोर गार्डन में भी थोड़ी सी धूप शाम की आती है, तो अभी ऐसा सा टाइम है जब यहाँ पर थोड़ा धूप जो है आती है लगभग आधे घंटे के लिए, और मेरे सारे प्लांट्स जो हैं इनको थोड़ा बहुत धूप भी मिल जाया करती है। अगर आपके गार्डन के अंदर भी कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ पर सुबह या शाम की हल्की धूप जो है वो मिल सके प्लांट्स को, इंडोर प्लांट भी अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी प्लांट कम्प्लीटली इंडोर नहीं होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है सनलाइट की ज़रूरत ज़रूर होती है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने हैंगिंग पॉट्स जो मैंने लगा रखे हैं इनके अंदर मैंने क्या क्या लगाया है इस चीज़ को शेयर करूँगा। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और दोस्तों, इस तरीके से एक एक पॉट उतार कर मैं आप सभी को दिखा देता हूं, क्योंकि ऊपर जो है वो हल्की सी सनलाइट आ रही है तो ठीक से आप सब लोगों को देख नहीं पाएगा। तो ये पहला पॉट जो है इसके अंदर मैंने एंजॉय पोथोज लगाया हुआ है, और ये पॉट जो है मैंने 6 पॉट लिए थे टोटल इसके, और ये 6 पॉट जो है मुझे फ्लिपकार्ट से मिले थे। काफ़ी अच्छे मुझे ये पॉट लग रहे थे, और हालांकि वहां से मंगाने के बाद मेरे ये पॉट काफ़ी दिन तक पड़े रहे, आजकल करते करते जो है ये खाली पड़े रहे बहुत दिनों तक, लेकिन अब इसके अंदर मैंने प्लांट्स लगा लिए। तो ये पहला पॉट जो है इसके अंदर मैंने एंजॉय पोथोज लगाया है, और सीधे मैंने डायरेक्टली इसकी कटिंग ही इसी के अंदर लगा दी थी, और ये कटिंग सक्सेसफुल भी हो गई, और देखिए अब ये ग्रोथ भी कर रही है, बहुत ही प्यारा सा कलर इसका निकल के आ रहा है। और दोस्तों, अभी ये मेरा जो हैंगिंग पॉट है इसके अंदर मैंने नियॉन पोथोज को लगा रखा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है नियॉन पोथोज, और इसकी पत्तियां जो होती हैं पैरट ग्रीन कलर की बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं मुझे। इनफैक्ट जितने भी पोथोज हैं मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव यही लगता है। कटिंग से इसको भी मैंने तैयार किया था अपने पुराने प्लांट से, और बहुत आसानी से इसकी कटिंग्स लग जाती हैं। तो वाइट कलर का मेरा पॉट है, और इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, हैंगिंग पॉट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों, ये मेरा तीसरा पॉट है, इसके अंदर मैंने वांडरिंग ज्यू लगा रखा है। वांडरिंग ज्यू बहुत अच्छा ऑप्शन है हैंगिंग बास्केट के अंदर लगाने के लिए, काफ़ी हार्डिशा होता है और बहुत ही इजली ग्रो हो जाता है। एक छोटी सी कटिंग भी अगर आप इसकी लगा देंगे तो मल्टीप्लाई होकर ये खूब ढेर सारी क्वांटिटी में ग्रो हो जाता है। और मेरा ये पॉट जो है इसको तो ग्राउंड पर ही मैंने इसके अंदर वांडरिंग ज्यू लगा दी थी, तो काफ़ी अच्छा बुशी हो गया है, बहुत अच्छा शेप ले रखा है इसने। तो आप भी जो है अपने पॉट के अंदर वांडरिंग ज्यू को लगा सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों, मेरा अगला जो हैंगिंग पॉट है इसके अंदर मैंने लगा रखा है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन मोस्ट कॉमन ऑप्शन है हैंगिंग बास्केट के लिए, लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं, इनका जो फोलियज होता है ये भी बहुत ही प्यारा होता है, साथ ही साथ जो है ये जो ट्रेल करते हुए नीचे आती हैं तो बहुत ही लंबा लंबा शेप ले लेती हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपका टर्टल वाइन। दोस्तों, जेड भी बहुत ही प्यारे लगते हैं अगर इनको हम हैंगिंग में लगा देते हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा मैंने इसमें जेड की 2 कटिंग्स लगाई हैं, और नीचे से अब ये काफ़ी ज़्यादा बुशी भी हो रहे हैं, यहाँ से ये शेप्स निकल के आ रहे हैं इनके, तो जब ये ट्रेल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और एक एक पॉट में उतार के आप सभी को दिखा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लग रही है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जेट भी बहुत ही प्यारा ग्रो करता है हैंगिंग बास्केट के अंदर। और मैंने ये जो सारे पॉट्स लिए हैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, काफ़ी सस्ते हैं और अच्छे भी हैं ये। और दोस्तों, ये अगला पॉट जो है इसके अंदर मैंने स्वीट पोटैटो वाइन लगा रखा है, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा बीच में मैंने इसको सीधे कंद से ही ग्रो किया था, जो खरीद के आता है ठंडियों के दिनों में घर पे खाने के लिए, और उसी से ये ग्रो हुई है, और इसके अंदर सीधे 4 स्प्राउट्स निकले थे, और इन 4 स्प्राउट्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई थी।
हालांकि जब उस दिन थोड़ा यास तूफान आया था तो मेरी हैंगिंग बास्केट को मैं उतारना भूल गया और रात के टाइम पर इतनी ज़्यादा हवा चली कि ये पूरा आपस में उलझ से गए थे। मैंने अलग किया तो थोड़े पत्ते जो हैं वो टूट से भी गए। तो ये इस वाले पॉट के अंदर मैंने जो है ये स्वीट पोटैटो वाइन को लगा रखा है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये आप लोगों के हैंगिंग पॉट के लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ वॉल पर अपने सारे DIY प्लांटर्स जो मैंने बेस मटेरियल से तैयार किए थे उनको लगा रखा है और इनमें मैक्सिमम सभी के अंदर जो है टर्टल वाइन है और आपको दिख रहा होगा कितनी खूबसूरत लुक जो है ये टर्टल वाइन क्रिएट कर रही हैं। लेकिन बीच बीच में मैंने जो है इस तरीके से पर्पल हार्ट को भी लगा रखा है और मेरा उधर एक दो पॉट है उसके अंदर मैंने बोट लिली को भी लगाया है। यहाँ पर एक मेरा ये पॉट है इसके अंदर मैंने देखिए पोचुला का लगा रखा है। बहुत ही अच्छा ग्रो करता है पोचुला का इस तरीके से हैंगिंग पॉट के अंदर। अगर आपके पास जो है ख़रीदे हुए हैंगिंग पॉट हो तो आप उनके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो हैंगिंग पॉट ना हो तो आप इस तरीके से DIY प्लांटर्स जो आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह आती हैं उनसे तैयार करके जो है इनके अंदर आप प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो ये अपने आप पता नहीं कहाँ से पर्पल हार्ट की एक कटिंग गिर गई थी इसके अंदर और ग्रो भी हो गई। बहुत ही प्यारी लग रही है, आपको दिख रहा होगा, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है मेरे इस जो है हैंगिंग पॉट के अंदर। लिक्विड फर्टिलाइज़र देता रहता हूँ मैं। और अगला जो है आपका ये इसके अंदर देखिए टर्टल वाइन के साथ जो है पर्पल हार्ट ग्रो हुआ है और यहाँ पर भी ये टर्टल वाइन है सब के सब। और लगभग सब में जो है मैंने कॉम्बिनेशन बना के लगाने की कोशिश की है। इसके अंदर भी मैंने लोरोपेटनम लगाया था लेकिन बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है ये, और पिछली बार मैंने लगाया था इस वाले के अंदर तो थोड़ा बहुत ग्रोथ है भी लेकिन उस वाले के अंदर ग्रोथ नहीं है। पिंचिंग कर देता हूँ, मे भी शायद जो है ग्रोथ कर ले। यहाँ पर इस वाले हैंगिंग पॉट के अंदर मैंने काफ़ी सारा प्लांट लगा रखा है और यहाँ पर देखिए ट्रेल करते हुए देखिए पर्पल हार्ट किस तरीके से नीचे आ रहा है। बहुत अच्छा ऑप्शन है टर्टल हार्ट भी आपका हैंगिंग पॉट के लिए, और इसमें बोट लिली भी लगी हुई है। और मैं कुछ और DIY प्लांटर्स तैयार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा होता है DIY प्लांटर तैयार करके उनके अंदर प्लांट्स को लगाना, तो पर्पल हार्ट और बोट लिली ही मेरा विकल्प होगा। मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को लगाऊंगा क्योंकि इनके कलर्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने इनके अंदर जो है कोलियस भी लगाए थे लेकिन कोलियस वगैरह बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता। उसके अलावा अगर आपको टेंगल हार्ट मिल जाता है और या फिर जो है बेबी सन रोज मिल जाता है, वॉल्बियन जो मिल जाती है, तो ये सब आप लगाइए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और टर्टल वाइन तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ही। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास ये इतने सारे हैंगिंग प्लांटर्स हैं, कुछ DIY हैं और कुछ जो है मैंने अपने खरीद कर जो है उनके अंदर प्लांट्स को लगा रखा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे सभी हैंगिंग पॉट्स चाहे वो DIY के थ्रू तैयार किए हों या फिर जो है आपके खरीदे हुए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।